आज का हमारा टॉपिक है स्टोइकोमेट्री एंड कैलकुलेशन ऑफ स्टोइकोमेट्री। ठीक है, स्टोइकोमेट्री का क्या मतलब होता है इसको समझिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए या उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है स्टोइकोमेट्री, इसलिए इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आया? अब इसका यूजुअल मीनिंग देखो, ये बड़ा ख़तरनाक शब्द लगता है सुनने में, लिखने में, बोलने में, स्टोइकोमेट्री। ठीक है, इसको लैटिन में हम लोग स्टोइकियो को बोलते हैं, स्टोइकियोन। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्स। क्या? और मेट्री का मतलब तो जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी मेट्री आता है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो किस चीज़ का मेजरमेंट है ये? एलिमेंट्स। स्टोइकियोन मतलब क्या होता है? एलिमेंट। स्टोइकियोन ये है ना, STOICHION लगा लो यहाँ पर, N, स्टोइकियोन। इसका मतलब क्या? एलिमेंट्स, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट मेजरमेंट। एलिमेंट का क्या मेजरमेंट, क्या नापें, क्या होता है एलिमेंट के पास? तो आंसर है उसका मास होता है। हर एलिमेंट का अपना मास होता है। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो जाए तो उसका नंबर ऑफ मोल भी होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, गैस वाले एलिमेंट ले लिए तो वो कुछ जगह भी घेरते हैं तो उसका वॉल्यूम भी होता है ना। यानी एक एलिमेंट के पास कौन कौन सी खूबी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसी को मेजर करना, उसी को नापना, यही क्या कहलाता है? स्टोइकोमेट्री। आ गया इसका मतलब समझ में? तो एलिमेंट के पास क्या क्या हो सकता है? मास हो सकता है, नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो उसको हम काउंट करेंगे, और बहुत ज़्यादा होंगे तो उसको फिर हम मोल में काउंट करेंगे। समझ रहे हैं? तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट के पास मास होता है, एलिमेंट के पास मोल हो सकता है, एलिमेंट के पास वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यही सब होगा। बस इन्हीं सभी चीज़ों का मेजरमेंट क्या कहलाता है? स्टोइकोमेट्री कहलाता है। इनका कैलकुलेशन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया जी? बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलो। अब इसके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि आपको किसी भी एलिमेंट का मेजरमेंट करना है, चाहे आप मास निकालो, मोल निकालो, वॉल्यूम निकालो, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी मेज़र करो। शर्त ये है कि आपका जो केमिकल इक्वेशन होना चाहिए वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? हाँ, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिखना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप स्टोइकोमेट्री कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहली शर्त क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और वो आपको आता है बैलेंस करना, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों तरफ के बराबर कर दो, वही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो स्टोइकोमेट्री के लिए शर्त क्या है? नंबर वन बोलिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम आप उस रिएक्शंस को क्या करो? बैलेंस करो। ठीक है, किसी भी मेथड को लगा करके, हीट एंड ट्रायल मेथड लगा करके, और भी बहुत से मेथड हैं। ठीक है, अच्छा हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक तीसरा एलिमेंट बन रहा है, चार बन रहे हैं, पाँच बन रहे हैं, छः बन रहे हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। तो उसमें स्टोइकोमेट्री हमको कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन देता है, और एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जब लिखा रहता है तो आपको वहाँ से क्या क्या समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, वो खाली एक रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन जब आप लोग लिखते हो ना, कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए, प्रोडक्ट बना, तो वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकलते हैं। वही इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ में आता है, जो आप निकालते हो, उसी इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। समझ आ रहा है? आया जी? स्टोइकोमेट्री क्या बताएगा? कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है आपके पास, उसमें से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या क्या आप निकाल पा रहे हो, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। इसी सब नॉलेज को स्टोइकोमेट्री। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, देखते जाइएगा ना स्टोइकोमेट्री कैसे लिखते हैं, कैसे इसको समझते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। एक हम ले रहे हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला बताओ कोई? CH4। अब देखो ये गैस है, तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जिस स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिस भी स्टेट में है, उसका केमिकल फार्मूला लिखने के बाद आपको उसका स्टेट लिखना पड़ता है छोटे से ब्रैकेट में। ये स्टोइकोमेट्री लिखने का तरीका है, ये
गैसेस स्टेट में है ये ऐसा लिख दिए। हम इसको जला रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं इसका रिएक्शन। कोई भी कंपाउंड जब कंबशन होता है, जलता है, तो उसका रिएक्शन किसके साथ होता है बोलिए? कंबशन के लिए कौन जिम्मेदार? ऑक्सीजन। तो जब भी कंबशन शब्द आ जाए तो इसका मतलब है किसके साथ रिएक्शन करना है? ऑक्सीजन के साथ। तो हमने मीथेन का कंबशन कराया किसके साथ? ऑक्सीजन। कंबशन मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलना, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। ये भी हम लिख दिए। अब जब मीथेन का कंबशन होगा, उसको हम जलाएंगे, तो क्या बनेगा? तो देखिए क्या क्या बन सकता है। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या बन सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कुछ बन सकता है क्या? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या बन सकता है? वाटर बन सकता है। तो ये दोनों चीजें हमको मिलती हैं, ठीक है। अब ये गैस है, ये गैस है, दो गैस मिलेंगी तो ये भी क्या होगा? गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस। और ये भी क्या होगा? गैस। वाटर भी किस स्टेट में मिलेगा? गैस। तो ये वाटर वेपर होगा, स्टीम होगा, ठीक है। तो ये भी किस में मिलता है हमको? गैसियस स्टेट में। अब क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? आंसर है नो। जब तक ये बैलेंस नहीं होता तब तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता, ठीक है। बैलेंस कीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करेंगे ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो ये एरो के इस तरफ ये है रिएक्टेंट, एरो के उस पार ये क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए उस एटम के, समझ आया? उस एलिमेंट के या एटम के, कुछ भी बोलिए। यहाँ हाइड्रोजन के कैठो एटम है, हाइड्रोजन इस एलिमेंट के कितने एटम है? 4। तो रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के कितने एटम होने चाहिए? 4, ठीक है। इधर और कोई हाइड्रोजन तो नहीं है ना जिसको मैं काउंट करूँ, यही इकलौता है। और ये टोटल 4 है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट मिला के हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। तो पूरे प्रोडक्ट में मिला के भी आपके हाइड्रोजन के कितने एटम होने चाहिए? 4। कितने हैं प्रोडक्ट में? 2। तो इसको कितना बनाना है? 4। 4 बनाने के लिए क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, वो 4 हो गया हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन को 4 बनाने के चक्कर में ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 एटम। और यहाँ ऑलरेडी 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? टोटल 4, 2 ये और 2 ये, ठीक है जी। 4 हैं, इधर कितने हैं ऑक्सीजन? 2। तो इधर भी कितने होने चाहिए? 4। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 4 बना दिया। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, इधर कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, तो हो गया बैलेंस। ये है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इससे इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टोइकोमेट्री आ रही है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए सबसे पहली चीज, किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूला के सामने जब कोई नंबर लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है जो किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूला के सामने लगता है और उसकी काउंटिंग बताता है हमको। इस नंबर को बोलते हैं कोफिशियंट। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टोइकोमेट्री। इसलिए इस कोफिशियंट का नाम क्या? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में मैं, ये वाला नंबर, ठीक है, हर जगह लगा है। इसको क्या बोलना? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको सारे इंफॉर्मेशन देता है। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं वो देखो। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा? 1। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस, क्या पढ़ रहा हूँ इसको मैं? मॉलिक्यूल 1, ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल ही है ना, एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर जमा हुए तो उसको मॉलिक्यूल बोलना है, एक से ज़्यादा एटम अगर दिख गए तो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस कम्बाइन विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड आफ्टर रिएक्शन इट विल गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या? वाटर वेपर, या वाटर मान लो उसको, गैसेस स्टेट में नाम तो वाटर ही रहेगा उसका ना, H2O का। ये समझ आया कैसे पढ़ रहा हूँ मैं? कैसे पढ़ रहा हूँ देखिए, 1 मॉलिक्यूल इसका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस
कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल, तो क्या बना, कितना मॉलिक्यूल बना ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ वन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और टू मॉलिक्यूल वाटर का पार्टिकल मिलता है हमको, हो गया ये। दूसरा तरीका इसको पढ़ने का, अभी तो मैंने इसको मॉलिक्यूल पढ़ा, दूसरा मैं इसको मोल भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं इसको मॉलिक्यूल की जगह मोल, हमारी मर्जी, हम इसको ग्राम में ले लेंगे तो वो मोल ही बन जाएगा ना, कितने मैं मीथेन के मॉलिक्यूल ले लूँगा एन ए, तो उसको क्या बोलूँगा, अगर मैं एन ए मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मीथेन गैस के तो उसको क्या बोलूँगा, मोल बोलूँगा ना, समझ रहे, सिंगल सिंगल लूँगा तो क्या बोलूँगा, मॉलिक्यूल, एन ए मॉलिक्यूल जमा कर दिया तो उसको मोल बोलूँगा, कितने मोल, वन मोल, वन मोल मतलब कितने मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे, Na 6.022 × 10⁻³। इसमें कंफ्यूज मत होइए, अगर मैं इसके मास के आगे ग्राम लिख दूं, ये ग्राम नहीं है, गैस है, ये स्टेट बताता है, इसका जो भी मास होगा अगर मैं उस मास के सामने ग्राम लिख दूं, तो ग्राम क्या बताएगा, कितने मीथेन का ये मास है, वन मोल मीथेन का मास है, उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दूं अगर, तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जी, कंफ्यूज नहीं होइए ना, ये इसको पढ़ने का तरीका खाली हम डिस्कस करें, क्या क्या पढ़ सकते हैं, एक तो हम मॉलिक्यूल पढ़ सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, समझ आया ये, ओके। इसको पढ़ने का दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये, इसको हम बोलते हैं एक मोल, मीथेन के कितने मोल लगे, एक मोल, किसके साथ रिएक्शन करवाए, ऑक्सीजन के कितने मोल, दो मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब मीथेन का एक मोल कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनते हैं, एक मोल, और वाटर के कितने मोल बनते हैं, दो मोल्स, ठीक है, तो इसको मोल भी पढ़ेंगे, ये आया समझ में या नहीं आया, आया। अब हम ये भी जानते हैं एक मोल किसी भी चीज का मास क्या कहलाता है, एक मोल कोई भी चीज उठाओ उसका मास क्या कहलाता है, थोड़ा जोर से बोलो, और ये भूलने की चीज नहीं है जी, आपने डिटेल से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, सॉलिड के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी, तो एक मोल किसी भी चीज का मास क्या कहलाता है, मोलर मास। अब अगर ये एक मोल है मीथेन, तो एक मोल है तो इसका मास क्या कहलाएगा, मोलर मास, कितना होगा इसका मास, मोलर मास कैसे निकालते हैं, जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबके एटम के मास जोड़ दो, ग्राम में लिख दो उसको, मोलर मास हो गया वो, बताइए इसका कितना मास होगा, कार्बन का कितना हुआ 12 और 4 हाइड्रोजन 4, टोटल कितने हो गए 16, तो 1 मोल मीथेन का मतलब क्या है 16 ग्राम, ये समझ आया, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, तो इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, 1 मोल का मास, मोलर मास कितना 16 ग्राम, तो हम बोलेंगे देखो भाई ये 1 मोल था तो इसका मोलर मास कितना हो गया 16, ये 2 मोल था तो इसका मोलर मास कितना होगा बताओ, ऑक्सीजन का कितना होता है एक ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन दिखे एटम कितना हो गया 32, 32 इंटू 2 एक मोल में 32 ना, एक मोल में 32 ग्राम, तो दो मोल में, ये तो दो मोल है, कितना ग्राम 64 ग्राम, ठीक है 64 ग्राम, ठीक है, तो देखो 1 मोल मीथेन लगता है 2 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करने के लिए, तब जाके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बनता है, समझ आया, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगा देखो 16 ग्राम मीथेन जब 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ये दोनों का मतलब एक ही है, मोल में बताऊं या उसके मोलर मास में बताऊं, बात तो वही है ना, एक मोल में इतना ही मास रहेगा, एक दो मोल में इतना ही मास रहेगा ऑक्सीजन का, वो तो कभी कम ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं चाहे 1 मोल से 2 मोल कंबाइन करके आपको बताऊं इस लैंग्वेज में, या मैं आपको बोलूं 16 ग्राम मीथेन में कितने ग्राम हमने ऑक्सीजन कंबाइन किया 64 ग्राम, तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 1 मोल का मास बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का, दिस इज 12 और ये 32 44, दिस इज 44 ग्राम, इसका बताओ वाटर का कितना होता है मोलर मास 18 और ये 2 मोल है, एक मोल में 18 मास और दो मोल में 36, ये हो गया, ये तो इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन पता चल रहा, देखो मैं पहले किस लैंग्वेज में बात कर रहा था, मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल से मिलता है तो इसका एक मॉलिक्यूल इसका दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, समझ आया, इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन जब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तब जाके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, मोल की लैंग्वेज में बात हो रही है, समझ आया, इसी चीज को मैं तीसरी लैंग्वेज में कैसे बता सकता हूँ,
देखो भैया ये सब वन मोल को ही मैं मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, समझ गए, मोल को ही मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 16 ग्राम मीथेन लगता है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने में, तब जाके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 36 ग्राम वाटर बनता है, समझ आया। अगर ये कम ज़्यादा हो गया तो ये कभी नहीं बनेंगे इतने इतने, ठीक। और ये मास में मोल से ही तो लिख रहा हूँ, एक एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, जो दो मोल है उसको डबल करके लिख दे रहा हूँ, समझ आया। अच्छा, इसी को ना एक तीसरी चीज़ में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब चूंकि ये गैस है तो गैस का और क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम में भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। बताइए, वन मोल कोई भी गैस ले लूँ मैं, उसमें कितने उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। कोई भी गैस एक मोल लीजिए एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। तो देखो ये कितना था, वन मोल, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, गैस है ये, बोलिए बोलिए, 22.4 लीटर मीथेन। हाँ जी बताइए, ये वन मोल नहीं है, टू मोल है, टू मोल मतलब कितना वॉल्यूम, 44.8 लीटर, दिस इज अगेन वन मोल, कितना लीटर, हाँ ये फिर टू मोल, हाँ। अब लैंग्वेज देखो क्या हो गई, वन मोल टू मोल से रिएक्ट होकर के वन मोल और टू मोल प्रोडक्ट देता है, तो मैं इसी को क्या बोलूँगा, मीथेन गैस कितना लिए, 22.4 लीटर, वॉल्यूम में बात हो रही है। अब इतना लीटर मीथेन गैस जब इतने लीटर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तब जाके इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इतना लीटर वाटर मिलता है या स्टीम मिलता है, आ रहा है समझ। ये सब इंफॉर्मेशन जो हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से निकाल सकते हैं और अलग अलग लैंग्वेज में आपको बता सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्टॉइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं, स्टॉइकियोमेट्री। अब इसमें फायदा ये है कि जब आपको ये लैंग्वेज समझ में आता है, मोल्स, इसमें मैं एटम भी आपको बता सकता हूँ, एटम भी बता सकता हूँ ना, ओके। ये लैंग्वेज अगर हमको समझ में आता है, कौन सा मोल, उसका मास, उसका वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल है, ये मास है, ये वॉल्यूम है, इसमें से कोई एक चीज़ दी रहे दूसरी ना दी रहे, तो वो हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को मास में, है ना, और वॉल्यूम को किस में, नंबर ऑफ मोल में या मास में, हमने पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और वो हमेशा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कौन सा, कि नंबर ऑफ मोल निकालने के जो तीन फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, पहला क्या था, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ स्पीसीज दी रहे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, मोल आ गया। दूसरा, अगर मास दिया है तो आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तीसरा, अगर वॉल्यूम दिया है तो आपको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, है ना। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आपस में भी इंटर कन्वर्ट करने के काम में आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, अभी एनसीईआरटी के एक दो एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पर सेम हमारी रिएक्शंस रहेगी और हम आपको ये बताएंगे कि देखो भैया इतने ग्राम ये कंबाइन होगा तो ये कितने ग्राम बनेगा, बताओ। मैं आपको मास बता रहा हूँ, ये मीथेन इतने ग्राम, ऑक्सीजन इतने ग्राम, आपस में कंबाइन हुआ तो बताओ ये कितने ग्राम बनेगा। जबकि हम क्या जान रहे हैं कि एक मोल जब इसके दो मोल से मिलता है तब ये कितने मोल बनता है, एक मोल, और ये कितने मोल बनता है, दो मोल, या इसी को मास में कन्वर्ट करके हम क्या जान रहे हैं कि जब ये 16 ग्राम इससे मिलता है, 16 ग्राम मीथेन जब 64 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनता है, 44 ग्राम, और वाटर कितने ग्राम बनता है, 36 ग्राम बनता है। तो अगर मैं इनके मास को थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं और आपसे पूछूं कि बताओ 50 ग्राम मीथेन जब 5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है जी, हो गया ये। तो इसमें बेसिकली ये याद रखिए कि मैं नंबर ऑफ मोल को मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यही है स्टॉइकियोमेट्री की ब्यूटी। और इसमें हमको ये पता चलता है कि कितना रिएक्टेंट कितने रिएक्टेंट से कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट कितना बनता है, उसका मास क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका मोल क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं। या इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, मैं आपको बोल दूं कि देखो भाई इतना ग्राम इसका मास मैंने आपको बता दिया, इतने ग्राम ये, जैसे सपोज 16 ग्राम मीथेन, क्वेश्चन है कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ये आपको नहीं मालूम है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये 50 ग्राम बनेगा, समझ आया, ये बता दिया मैंने आपको,
50 ग्राम बनता है, ये बता दिया कितने ग्राम ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन से मिले कि कितना बना दे कार्बन डाइऑक्साइड, 50 ग्राम बना दे। तो ये कितना ग्राम आपको लेना है ये कैसे निकालोगे, दिस इज स्टोइकोमेट्री। आ रहा समझ? तो एक दो क्वेश्चन इस पर लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएंगी। ये मिटा दूँ मैं।